गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी जो टाइम हो रहा है वो मॉर्निंग के बज रहे हैं 10, और काफ़ी लेट लंच में बना रही हूँ। तो आप लोग सोचोगे कि इतने लेट में मैं क्यों बना रही हूँ, तो मैं आप सबको बताती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में सबने नाश्ता किया था और मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। डैडी सब्जी के लिए भी सब्जी लेने के लिए भी गए थे, तो उसके बाद मैंने जब फ्रिज खोला तो मैंने देखा उसमें दही रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं कढ़ी बना लूँ, क्योंकि बहुत दिन से मेरे दिमाग में आ भी रहा था कि मैं कढ़ी बनाऊँ। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ कढ़ी के लिए। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी के करीब लिया है बेसन, क्योंकि बेसन बहुत गाढ़ा भी हो जाता है, तो मैंने थोड़ा सा ही बेसन लिया, क्योंकि तीन लोगों के लिए ही कढ़ी मुझे बना के रखनी है। और यहाँ पे मैंने दही लिया है, और थोड़ी दही खट्टी भी है, क्योंकि जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तो खट्टी दही का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि कढ़ी जब तक खट्टी ना हो तब तक फिर मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है थोड़ा सा कलर लाने के लिए। उसके बाद इसको मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल रखा हुआ है जिसमें मैंने पकौड़ियाँ तली थी, तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हींग, क्योंकि हींग डालने से कढ़ी का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसमें थोड़ी सी मैं मेथी दाना डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने प्याज लहसुन और सूखी लाल मिर्च को मिक्सर में पीस लिया था, और एक प्याज का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ। उसके बाद उसमें मैंने तड़के पे उसमें उसको भी डाल दिया है। सबसे पहले मैंने इसमें डाला था कढ़ी पत्ता, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि कढ़ी पत्ता का जो स्वाद होता है कढ़ी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसको थोड़ी देर में कुछ इस तरीके से भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि मैंने उसमें भी हल्दी डाला हुआ है जो मैंने कढ़ी का बैटर तैयार किया हुआ है, और इसमें भी मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से भून लूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छी तरीके से भून चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है बैटर जो मैंने बना के रखा हुआ था। उसमें थोड़ा सा मैं पानी और ऐड करूंगी, थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करूंगी क्योंकि अभी कढ़ी को पकना भी है। और उसके बाद जब कढ़ी थोड़ी उबलने लगेगी तब हम इसमें डालेंगे पकौड़ियाँ जो मैंने बना के रखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी का जो कलर है कितना अच्छा आया है। और उसके बाद मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी, और थोड़ा सा ही अभी डालूंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कढ़ी में नमक ज़्यादा भी हो जाता है, तो इसलिए पहले मैं थोड़ा ही डालूंगी। तो यहाँ पे कढ़ी में उबाल आ चुका है, तो मैं इसमें डाल दूंगी पकौड़ियाँ। सो फ्रेंड्स, तो मैंने लंच यहाँ पे रेडी कर लिया है और मैं जा रही हूँ सबको खाना खिलाने के लिए। आइए आप सब भी खा लीजिए। यहाँ मैंने कढ़ी बनाया है और राइस तो कढ़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और यहाँ पे रोटी। तो चलिए मिलते हैं आप सबको थोड़ी देर बाद। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, तो आज मैंने ब्लॉग आफ्टरनून में ही स्टार्ट किया हुआ है, और आपने देखा कि मैंने लंच में क्या बनाया, कढ़ी चावल रोटी, बस आज मैंने यही लंच बनाया था। और आज मैं आप सबको कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ आप सबसे, और वो क्या है वो मैं आप सबको बताऊंगी, क्योंकि मम्मी ने मेरे लिए बहुत सारा गिफ्ट पहले से ही लेके रखा हुआ था और मैं आपसे नहीं शेयर कर पाई। और गिफ्ट में क्या क्या है वो मैं आप सबको दिखाऊंगी, और मुझे मेरे ससुराल में क्या क्या मिला वो भी मैं आप सबसे शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने अभी आप सबके साथ वो शेयर नहीं किया है कि मुझे क्या मिला है। और देखिए, एक दिन के लिए गई थी, कुछ लोगों को पता था कि मैं आई हूँ और कुछ लोगों को नहीं पता था, तो फिर भी मुझे बहुत कुछ मिला है, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और वैसे वहाँ जाके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और एक और सरप्राइज़ आप सबको देने वाली हूँ जो मम्मी ने मेरे लिए प्लान करके रखा था, और मुझे मेरे लिए ही था, मुझे पता था, अब तो पता ही चल गया था क्योंकि मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं किया, वो मैं शेयर करूँगी। और वो क्या है अभी आप सबको थोड़ी देर में बताऊंगी, और कल से आपको प्रॉपरली ब्लॉग देखने को मिलेगा, कोई मेकअप अभी नहीं देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में आप सबके साथ रेगुलर शेयर करूंगी मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन और इवनिंग रूटीन। और अभी मुझे क्लीनिंग भी करनी है घर की, थोड़ी बहुत करनी है, किचन की क्लीनिंग करनी है, तो वह सब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से आप सभी को दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है ससुराल से, और मम्मी ने मुझे क्या, और मम्मी की तरफ से मेरे लिए क्या सरप्राइज़ है, क्या गिफ्ट है, वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो चलिए।
सो फ्रेंड्स, तो अभी ये कुछ सूट हैं मम्मी मेरे लिए गिफ्ट रख के गई हुई थी, और उन्होंने मुझे फ़ोन में बताया कि तुम्हारे लिए कुछ है, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूं। मैं देखी तो मैं तो बहुत खुश हुई। सो तो फ्रेंड्स, तो चलिए मैं अब आपको ये सबसे बताती पहले मैं हूँ आपको कि दिखाने वाली हूँ कि मम्मी ने, देखिए फोन आ रहा है, तो मम्मी ने मेरे लिए क्या लिया था। और वो बहुत दिन से अपने पास रखी थी और मुझे नहीं पता था, और सडनली उनका फोन आया, क्योंकि इस समय वो गांव में हैं। और उनको सिलवाऊंगी, क्योंकि देखिए अभी मुझे कभी भी मायके भी जाना पड़ सकता है। अभी आपको मेरा मायका ब्लॉग भी देखने को मिल सकता है, और तो उसके लिए तैयारी तो करनी होगी, तो थोड़ी थोड़ी तैयारी मैं पहले से ही करूँगी। तो उसके लिए ये देखिए, ये कुछ सूट के कपड़े हैं, और अभी मैं नहीं जाऊँगी मायके, क्योंकि जब तक मम्मी आएंगी नहीं तब तक मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन फिर भी मुझे कुछ सूट के कपड़े सिलवा के रखने हैं, क्योंकि दिखाती हूँ। तो ये देखिए, एक ये सूट है, और ये इसका जो कलर है ये पिंक कलर है, और उसमें देखिए रेड आ रहा है वीडियो में, ये पूरा पिंक कलर है, और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है इसका जो कलर है। तो एक ये सूट है, और एक आध दो सूट आपको बनारसी टाइप में मिलेंगे, और क्योंकि मुझे ना बनारसी सूट, देखिए बनारसी साड़ियाँ भी अच्छी लगती हैं, और उसके साथ साथ मुझे बनारसी सूट भी अच्छे लगते हैं। तो ये है येलो और ऑरेंज कलर का, मतलब दो कलर इसमें मिक्स है, और इसमें इसमें भी गोल्डन गोल्डन डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे येलो कलर का छोटा छोटा डिजाइन बना हुआ है, बाकी ये पूरा ऑरेंज कलर का है। और सलवार आपको पूरा ये इसका ऑरेंज ऑरेंज कलर का ही आपको देखने को मिलेगा, सॉरी। और हाँ, इसके जो दुपट्टे हैं इन सूट के मेरे पास नहीं है, वो मैं मीशो से ही ऑर्डर करूँगी। और मुझे ना बनारसी दुपट्टा लेना है, क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन है, और मैं बहुत जल्दी ऑर्डर करने वाली हूँ बनारसी दुपट्टे। तो ये एक सूट ये हो गया, और एक सूट ये है, ये पर्पल कलर का है, और एक कलर और इसमें मिक्स है, ये भी दो कलर के हैं। इसका जो सलवार है वो भी पर्पल कलर का है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा आरामदायक हैं। और वैसे मैं गर्मियों में हमेशा से कॉटन के सूट ही पहनना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उसमें आराम मिलता है। ये देखिए जो मैं सूट मैंने पहना हुआ, ये भी कॉटन ही है। और तो ये देखिए, एक सूट ये हो गया है, ये मिल गया मेरे पास ये। और ये मुझे ये वाला सूट बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखिए इसमें ये कुछ इस कलर का है, ये कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, सारे सूट में सबसे ज्यादा ये कलर मुझे पसंद है। और ये कुछ गोल्डन कलर का है सूट, ये देखिए, मतलब क्रीम और गोल्डन दोनों मिक्स है। और इसका जो सलवार है वो है गुलाबी कलर का, ये देखिए गुलाबी कलर का सलवार है। एक सूट और है जो उन्होंने मेरे लिए लिया है, और ये सूट है वूलन का, ये देखिए ये बहुत प्यारा सूट है, और इसमें देखिए पूरा इस तरीके से पूरी कढ़ाई है, ये मैं आपको दिखाती हूँ पूरा खोल के। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला भी सूट। और तो अब इसमें, इस साल में इसको नहीं सिलवाने वाली हूँ, इसको मैं अगले साल सिलवाऊंगी। तो ये देखिए, ये सूट हो गया। तो आप सबको इन सारे सूटों में से कौन सा सूट सबसे प्यारा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। और साड़ियों की बारी, तो मैं गई थी वहां पे ससुराल, तो मुझे ये साड़ियाँ मिली। तो एक साड़ी ये है ग्रीन कलर का, बॉर्डर में कुछ इस तरीके से, ये देखिए एक साड़ी ये मुझे मिली है। और आप सबको पता है कि मुझे बॉर्डर वाली साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक साड़ी ये है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके की साड़ी है, इसका भी जो कलर है बहुत प्यारा है। तो कुछ इस तरीके से मिली है, की पेटीकोट भी है, ये देखिए येलो मिक्स है, और कुछ इस तरीके से ये साड़ी है, ये देखिए मतलब ये पूरा जो आंचल है वो पूरा इस तरीके से होगा, और इसका जो नीचे का जो ये है ये वो इस तरीके से होगा, ये देखिए ये पूरी ही साड़ी, ये जो पूरी साड़ी है ना कुछ इस तरीके से है, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए कुछ ऊपर से देख लीजिए, ये देखिए। और ये भी साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, पहनूंगी तो बहुत प्यारी लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो
ये मुझे मिला है मेरे ससुराल से। और सबसे खास चीज, अभी एक चीज और मैं आप सबको दिखाने, पता ही होगा कि मैंने ब्लॉग में आप सबको दिखाया था कि मैं अपने ताई सास के यहाँ गई थी, बड़ी ताई जी के यहाँ। तो आपने देखा ही होगा वहाँ पे मैंने पकौड़िया वगैरह बनाई थी। तो उन्होंने मेरे लिए क्या दिया है, सबसे खास तोहफा उन्होंने मेरे लिए दिया है, और वो है पायल। ये देखिए, तो ये पायल उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। और बाकी जो भी मुझे मिले हैं, मैं आपको सच सच बताती हूँ, वो पैसे मिले हैं, बहुत सारे पैसे मिले हैं। तो पैसे कितने मिले हैं वो मैं आप सबको नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं पहली बार गई थी वहाँ पे। और तो मुँह दिखाई, तो हमारे यहाँ मुँह दिखाई में कुछ ना कुछ दिया ही जाता है। अगर पहली बार बहू को देखा जाता है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट में दिया जाता है। तो ये पायल मुझे मिला है, ये देखिए। लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि आप प्लीज़ बताइए कि आपके ससुराल में आपको क्या मिला है, आप पहली बार गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो ये वीडियो आप सबको मिल जाएगा शाम तक। ने देखा कि मुझे क्या क्या मिला है मेरे ससुराल से, और मम्मी ने मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके रखा था, वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। और मम्मी मेरे लिए और कौन सा सरप्राइज प्लान कर रही हैं वो आपको बहुत जल्द मैं बताऊंगी, और ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ, कुछ मतलब आप सबके साथ शेयर करूँ कि मम्मी मेरे लिए क्या सरप्राइज रखी हुई है। वो काफ़ी बड़ा सरप्राइज है फ्रेंड्स, तो वो मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आप सबको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माई फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।